अस्सलाम वालेकुम, मैं खिजर कलासरा, मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी। मेरे भरा मोहतरम नासिर असलम राजा साहब मौजूद हैं। तो राजा साहब ने लगता ये थे भी मैं सरैकी बोले सन ये पोठोहारी बोले सन, ये हूँ तो आपको मिठी सरैकी लगती है या पोठोहारी लगती है, ये फैसला वह तुम आखिर के उत्ते करना है। राजा साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह खुश है तुसांगी। राजा साहब ये दसो, सरायकी भी मिठी है तो असा केड़ा लून बाया विच। अच्छा, मिठी है, ज़बाना सारिया मिठिया हो रही है। ज़बाना सारे मिठे से। अच्छा ये राजा साहब दसो, जो थी ना क्या पे मुल्क दे अंदर उदू गिरफ्तार हैं, उदू धमकी हैं, उदू राना सनाउल्लाह है, उदू इमरान खान है, फवाद चौधरी है, उदू चौधरी परवेज इलाही साहब जंप किते, वो कान चाह दिन से मैं सदर बनावना की गल भी पब्लिक के सामने करो, मीडिया के सामने थी ना क्या पैसे। असल गल है जी के सियासत इस वक्त गंदी हो गई, बहुत ढड़ी गंदी होगी। इस सियासत की नथारने आस्तै, साफ करने आस्तै, इस नियां कसाफतां दूर करने आस्तै मैं आखना कि एक शफाफ किस्म का इलेक्शन होना जेड़ा ना बड़ा जरूरी है। एक किसी सियासी जमात की हमायत मैं ना पे गल, मैं समझा कि जिसलै इस तरह ना गंद पै गचै तो फिर तुसां की एक चेक करने आस्तै कि अवाम किसने नाल है। नहीं राजा साहब, इलेक्शन तो आया खड़े, इलेक्शन तो 23 इलेक्शन थी हमने, ठीक है, लेकिन उसने ऐलान कर देना जी। नहीं ऐलान तो क्या मुराद है, डिसाइडेड एक तारीख मुकर्रर है। नहीं कोई किथे मुकर्रर है डॉक्टर साहब, क्या गल्ला कर रहे हो तुसा, तुसा डाढ़ियां गल्ला कर रहे हो भाई, किथे मुकर्रर है, कोई मनना ही नहीं पिया, वो आखने सदर क्यों ऐलान किया। इसका मतलब है कल को ए पार्टी जेड़ा 13 इन पे है ये उठी चें जी, हुन भला 6 महीने बाद इलेक्शन कराओ, वत असा को गंद पाए गए, रोला पाए गए, नहीं नहीं इस तरह नहीं होता, खुए जो कटो वत इलेक्शन कराओ, नहीं होना इस तरह सर जी, इस तरह नहीं होना, नहीं होना। बात किया होसी वत ता होसी के जिसने कुवत होसी ना, मैं इना पे आखना भी, मैं आखना जी इलेक्शन कराओ, तुसा जेड़ा मर्जी जीता और उसकी पूरा राइट दियो, मैं तो आखना कि एक चाहिए राइट तो क्या मुराद है, उनको उसको इख्तियार दियो, उसकी छेड़ो ना, वो जेड़ा गंद करे ये जेड़ी चंगी गल करे वो उसकी करन दियो, तुसा पार्लीमेंट जेड़ी अपोजिशन है वो अपना किरदार अदा करे, हुकूमत उल्टने नहीं उत्थे रोला पाए, उन्होंने उन्होंने की नंगा करे, उन्होंने एक एक चीज़ अवाम ने सामने आना है। असा जेड़े हो गए बेसबरे, असा आखने भी हूँ इसकी चलन नहीं देना, नहीं चलन तो देने पाए, इमरान खान आदे जी ये असेंबली भी तोड़ दियो, वो भी तोड़ दियो, क्योंकि मैं आधा पिया लिहाजा इलेक्शन कराओ। नहीं नहीं वो नहीं पिया आधा तो को ना, हूँ हालात क्या हो गए, तुसानियाँ दो असम्बलियाँ सबसे बड़ी जी सूबाई असम्बली है वो पंजाब नहीं है, उसना वजूद खत्म हो गया। नहीं तो चौधरी परवेज इलाही साहब उन्होंने समझेंदे रह गए, मिन्नतें करेंदे रह गए, बाद तंजन आख्या भी है कि अगर ये फवाद चौधरी पहले पकड़िया जाता तो पकड़िया वैंदा तो ये हालात बही तरह के होंगे। वो तुसन गल ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि सारे सियासत सियासत करने नहीं पे, सियासत सियासत खेलने पे, ठीक है, हर बंदे की कोशिश होनी कि भाई चलो कबूतर 8-10 बैठे फायर करो तो जितने टैप है, इस तरह नहीं होना। मैं ये आखना मैं किसी की हमायत ही, मैं किसी की हमायत ही ना पे गल करना, मैं एक जनरल गल पे करना, अजान भी शुरू हो गई है कि तुसा जेड़ा ना इलेक्शन करा दियो साफ और नहीं इलेक्शन कमीशन करावने नो करवेंदा नहीं, ओए अल्लाह ने बंदे मैं तो नहीं करा सकदा, तुसा भी नहीं करा सकदा, पब्लिक भी नहीं करा सकदी, सिरे सुलण वाली गल है कि इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहे, असा किस तरह की, मैं कुछ सिक्योरिटी नहीं देंदे, मैं कुछ पैसे नहीं देंदे, ये गल्ला नहीं, वो ऐलान करे, वो करे भी मैं इलेक्शन फलानी तारीख की कराना, ऐलान कर दे, आप उसको ठीक लग सी तो आप उसकी सारा। अच्छा राजा साहब तो आपको ये चीज़ का पता है भी यार, सारी बात बड़ी क्लियर है भाई, बड़ी वाजे है भाई, इलेक्शन ही चुकिया निकलने को नवे बंदे आ वजने, ओए अल्लाह ने बंदे इसे बंदे इथो ही निकल सन बंदे, लेकिन एक करना तो थिया ना सा कि असा असा मंडी रखी है ना, मंडी भी जिससे थ्री भी थी नहीं, वे थीमने ने किथे थीमने पे सर जी, थीमने होना तो इतना रोला क्यों पवेर, कोई गल ही नहीं करना, इलेक्शन का ख्याल है, इलेक्शन अगा वैसे मेरा ख्याल ये है कि इस ये सोच किसे जेना च थी कि इसकी कमें की और चिको, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कई बार बयान भी दे दे सके कि असा फलाने की एक्सटेंशन देने तो असम्बलियाँ की नहीं मिल सकनी, इस मारे हो मैं आखना एक... नहीं मुल्क डिफॉल्ट जो करेना पे आखिर 13 पार्टियां एक प्लेटफार्म पे हुकूमत है, जिन तुसा प्लाय डिफॉल्ट जो खोता खुए जो कडूं या पहले इलेक्शन कराऊं। कलासरा साहब मैं तुसा की ए अर्ज पे करना जे खोता तुसा कढ़ने वाले हो और ना तो 75 साल च कई खोते इथे कढ़ सको, तुसा कदे खोता कढ़ने नी कोशिश ही नहीं कीती, खोता कढ़ने नी सब तो बड़ी कोशिश ये होसी कि इलेक्शन कराओ और जेड़ा बंदा जीता है उसकी 5 साल दियो भी हुण तू खोता भी कढ़ ते उसने बोके भी कढ़,
खूह चो और खूह पा करके असंगी दे नहीं तो अवाम आपू मारसी लितर अवाम लिहाज नहीं किसे ने करनी लेकिन जिसले अवाम जिसले चाहनी कि डॉक्टर साहब की इस बारी असं सरबराह बनाने हैं या असं जनाब अपना तारक वीर साहब की बनाने हैं या नासर राजा की बनाने उन्हें कि ये चांस दियो तुसा सब तो बड़ा जड़ा बदला जड़ा ना उस ना वो अवाम लैसी जिसले अगर अपना क्या आखने जी अपनी किरदार अदा ना कर सके और अवाम की रिलीफ ना दे सके तो उन्हें कि अवाम छोड़ देगी। दसो नव तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अपना है पिया ठीक है इख्तलाफ थी संग ने इख्तलाफ राय की गुंजाइश मौजूद है ये दसो एस्टैब्लिशमेंट क्या करनी पई है बिल्कुल न्यूट्रल थी गई है। ओहो एस्टैब्लिशमेंट बेचारी केड़ा पासा गच्छा है जिधर गच्छा है उसकी गाला पैनियां ठीक है उधर गच्छा है तो आखने जी इन्होंने लड़ ले इधर अच्छा है तो आखने जी मुल्क तबाह कर देता इस तरह ऐसी असर इस सियासी अमूर जड़े ना इस सियासतदाना की हल करने चाहिए सियासतदाना की आखना चाहिए ना यार क्या होया पांच साल अगर एक तुसा की नहीं हुकूमत नहीं कितने पांच साल गुजरे सर सियासतदान ही तो कुछ करे ना सर यही तो मैं पे आखना ना जी कि असा एस्टैब्लिशमेंट की गाला करने की बजाय या उसकी जिम्मेदार करार देने की बजाय असा एक कोशिश करी है कि असा जरा असा ना आईन आखना ना वो असा करिए कि एक असम्बली टूट गई तो टूट गई और उसने बाद आईन क्या आखना उसने पर असा अमल करिए ठीक है फिर असा तकी तो गवर्नर करना यो नहीं करे ना इलेक्शन कमीशन करना यो नहीं करे बड़ा या तुसा ना तो नहीं ना गवर्नर भी ना अपना ही है ना गवर्नर की जिस तरह इतने काके दसा भी ना तो तुसा भी ना हो तुसा भी सारिया गल्ला समझने असा भी समझने हैया अलस फला तो हैया अलस फला नमाज की तरफ आ और भलाई की तरफ आ वो तो दुरुस्त है लेकिन उन क्वेश्चन ये है पिया कि मुल्क डिफॉल्ट कीती खड़े बिल्कुल फसया खड़े कोता खुबिया खड़े खोते को अगा कीवें टोरू मकसद ये इतना मसाइल तो कीवें निकलूं भाई इलेक्शन 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 पैसे और दिन कोई नहीं सारे को पैसे उन्होंने को थे दौरिया वास्ते थे कभी अमरीका पे जाने कदे बरतानिया पे जाने कदे तुर्की पे जाने और तुसा उन्होंने अफसोस पे करने ठीक है असाने भरा आए उत्थे जलजला आया और अपने बंदियां की भी तो कोई चार नवाले दियो उन्होंने भी तो छत दियो उन्होंने भी तो कंबल दियो उन्होंने भी तो कंबल चाहिए बेचारे खुले आसमान तले पे अगे फिर आ गई मौसमान चेंज हो रहा कुछ जा सन माड़े इस वक्त सब तो ज्यादा नजदीक इंटेलेक्चुअल है ना पढ़िया लिखिया बंदा है साफी है समझ रखने वाला है जो सब तो माड़े करीब है वो तुसा वो खिजर कलासरा साहब बैठे तो तुसा अगर अपना नुक्ता नज़र ऐसा बयान कर सो कि जेड़ा मुल्क आस्तै ना उसी किसी की खुश मैं इना आखना पे मैं मिसाल दे रहा कि किसी की खुश करने वाला आस्ता उसी या अक्सर जनाब कलासरा साहब असानी बड़ी साइड की थी बड़ा सही लतड़े मैं भी आखना जी मैं आखना कि असा सारे मफादात नहीं सियासत करने हैं असा मफादात ने तजिए करने हैं ना 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 ये ना ना ये हूं राजा साहब ये जो है ना आखिर दे उते जड़े ना नहीं मैं अपना तजिया देना पे ना तुसा जो माड़ा ना लाओ ना तुसा ही ना पे लाना हां तुसा चूके माड़ा इंटरव्यू पे कर रहे हो माड़े को सवाल पूछया ते मैं अपनी नाकस अकल ने मुताबिक जेडी माड़ी अकल आखनी मैं उसने मुताबिक जवाब देसा और ये आखनी कि असा सारेया अपने अपनियां पॉकेटां बनाईयां होईयां अपने अपने असा पार्टियां एक तो होनी सियासी पार्टी के वैसे भी अपनी पार्टी नहीं बनाई तो ख्याल है सारा साल इलेक्शन लगा रहा है वो सब लिया ਹੋੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਣਾ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਇਨ ਤਾਂ ਆਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਇੰਚ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ इलेक्शन कमीशन छोड़ दिया आखिर भी मेरे तावन नहीं कराना मैं बिल्कुल माड़ी हैसियत जी है वो बिल्कुल इस तरह अजीब जी हो गई है तो मैं जनाब कहीं नुक्ते जो नहीं पहुंचे ना नुक्ते पर पहुंच रहे हैं ना राजा साहब जेड़े दा असल ही तुसा कलासरा साहब मनने दा ताकत दे नाल जेड़े दा और पूरी अपने दलील और आर्गुल बीन दे नाल मैं को करना चाहंदे पन मैं बसा दे एहतराम एक भी अप प्रोग्राम इना ना रखसा वत असा गल करे सो लेकिन ये आदे इलेक्शन करा दियो मैं इन्हों को उनकी वजूहत दसे ना बैठा भी इलेक्शन कमीशन एक इदारा है एक आज़ाद इदारा है वो जब लेट गए लमलेट थी गए तो उन मैं क्या कर सकता मतलब जड़ा लमलेट हो गया उसकी फारक करो
जिसने जी कैपेसिटी नहीं, जेड़ा अपनी गल नहीं मनवा सकना, जेड़ा इलेक्शन नहीं करवा सकना, जेड़ा सिक्योरिटी पे मंगना उसकी सिक्योरिटी को नहीं देना, जेड़ा पैसे नहीं देना, वो आखना भी मेरी कोई जरूरत नहीं है, पे मैं जाना ने तुसा जानो तुसा काम जानो, असं छोड़ने भी ना, असं किंतरे भी कड़ने, और जिस तरह चलो जरा चेयरमैन नैब ना चला गया उस ठीक किया ना सुल्तान, ठीक है उस ठीक किया, ये भी इस तरह करन कि जी माड़ी गल ही कोई नहीं छोड़ना, पता नहीं इस्तीफा किया गए जो आप दे गए थे, उसे अगली वाली गल को अपना बयान तो देता ना, उस बयान देता कि चूंकि माड़े काम में दखल अंदाजी हो रही थी, इस वजह से मैं समझा कि मैं काम ना करा, ये भी आखन मैं इस तरह, तो कितनी इज्जत कितना वकार हो सी, वैसे तो इंसान सारी उम्र नहीं रह चलो ये चीज़ तो साग तो आपको बचना चाहिए, ये ना हो एक सारे उत्ते सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बगावत का मुकदमा कराई करो इंशाल्लाह कर सी, तुसा पर जरूर चौधरी पढ़ाई करा साहब, तुसा पर जरूर आ चाहिए ना मुकदमा, अल्लाह हाफिज़।